अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस फाइनली आज 11 मुहर्रम और 21 अगस्त, तो चलिए आज मैं दरगाह शरीफ का बाहर की माहौल नज़ारा कराते हुए सीधा दरगाह शरीफ के अंदर ले चलेंगे, दरगाह शरीफ जियारत कराएंगे और दरगाह शरीफ के अंदर का माहौल का भी नज़ारा कराएंगे। और आज ताजिया शरीफ सुबह 4 बजे ठंडा हो चुका, तो आज आपको ताजिया शरीफ जियारत नहीं होगा, दरगाह शरीफ जियारत होगा। तो चलिए आज हम आपको दरगाह शरीफ जियारत कराते हैं और माहौल का भी नज़ारा कराते हैं। तो गाइस बना रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस फाइनली मैं आपको लेके आया हूँ दरगाह बाजार। तो देखिए दरगाह शरीफ जाने से पहले जो दरगाह शरीफ का मेन गेट आते हैं निज़ाम गेट के सामने का जो बाज़ार है, बाज़ार के नाम है दरगाह बाज़ार। तो मैं दरगाह बाज़ार की माहौल आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दरगाह बाज़ार की माहौल कैसे है। आज 11 मुहर्रम है और 21 अगस्त का सुबह सुबह का टाइम है। तो देखिए आज थोड़ा रश कम है क्योंकि कल आशूरा गया है, आशूरा जाने का बाद बहुत सारा ज़ायरीन अपसी गया है, तो इसके लिए अभी रश कम है। तो गाइस अगर अभी आप अजमेर शरीफ में आएंगे तो आपको सुकून से ज़ियारत हाजिरी हो जाएंगे दरगाह शरीफ। देखिए दरगाह शरीफ के बाहर का जो मेन दरवाज़ा है निज़ाम दरवाज़ा के सामने का माहौल आज सुबह सुबह का टाइम, और मैं सुबह सुबह का अपडेट दे रहा हूँ, तो आप माहौल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अजमेर शरीफ में अभी भीड़ भाड़ कम है, अगर अभी आप आएंगे तो आराम से दरगाह शरीफ दीदार हाजिरी कर सकते हैं आप। जी गाइस देखिए निज़ाम गेट का सामने का माहौल, इसी गेट से आपको दरगाह शरीफ के अंदर जाना पड़ता है। तो देखिए ये मेन गेट है दरगाह शरीफ का, और देखिए मेन गेट का सामने का कैसे चल रहा लोगों की है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, किसी का कोई चेक इन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कुछ पूछा जा रहा, ना कोई चेक इन कुछ किया जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए गाइज बिल्कुल नॉर्मल है, आप आराम से आ सकते हैं ज़ियारत के लिए। तो गाइस कल आशूरा के दिन गया, मुहर्रम बड़ा गम के दिन गया, तो आशूरा जाने का बाद आशूरा के होने का बाद आप थोड़ा ज़ायरीन कम है, अभी रश कम है, तो ये टाइम है आपको अजमेर शरीफ में आने का। माशाल्लाह अगर अभी आएंगे तो दरगाह शरीफ आपको सुकून से ज़ियारत हो जाएंगे, हाजिरी हो जाएंगे। तो गाइस देखिए ये निज़ाम दरवाजे के सामने का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये है दरगाह बाज़ार। देखिए दरगाह बाज़ार भी कैसे चल रहा है, किसी चीज़ का आपको कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई रोक ही नहीं रहा, कोई टोक ही नहीं रहा, आराम से आप अंदर जा सकते हैं ज़ियारत के लिए। कैसे लोग ज़ियारत करके आ रहा बाहर और ज़ियारत के लिए अंदर जा रहा है। आज 11 मुहर्रम और 21 अगस्त है। तो गाइस चलिए फिर हम मैं आपको सीधा ले चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर, दरगाह शरीफ का माहौल भी नज़ारा कराते हैं, दरगाह शरीफ भी ज़ियारत कराएंगे। तो गाइस बना रहिए, देखिए पूरा वीडियो को। तो गाइस फाइनली मैं दरगाह शरीफ के बाहर निज़ाम गेट से अंदर हो चुका हूँ। तो देखिए अंदर मैं लेके जा रहा हूँ, और अंदर जो दरवाज़ा आता है बुलंद दरवाज़ा, तो मैं बुलंद दरवाज़े के सामने पहुँच चुका हूँ। देख सकते हैं बुलंद दरवाज़े के सामने का माहौल, तो यहाँ पे भी रश कम है, भीड़ भाड़ कम है, देख सकते हो ये बुलंद दरवाज़ा है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो जाती है, जो मैंने बाहर का जो निज़ाम गेट दिखाया उसको बहुत सारे लोग बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, लेकिन वो बुलंद दरवाज़ा नहीं है, बुलंद दरवाज़ा ये है अंदर। अब बाहर जो दरवाज़ा दिखा के मैंने आपको लेके आया वो निज़ाम दरवाज़ा है। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा से भी मैं अंदर हो चुका हूँ, और देखिए यहाँ के चल बल कैसे, इंशाल्लाह अच्छा चल बल है, ज़ायरीन ठीक ठाक है, लेकिन रश थोड़ा कम है क्योंकि मुहर्रम की जो आशूरा है वो हो चुका है, इसके लिए थोड़ा रश कम हुआ है। लेकिन अभी ये अच्छा टाइम है आपको ज़ियारत के लिए, अगर आप इस टाइम आएंगे दरगाह शरीफ में तो आपको दरगाह शरीफ आराम से सुकून से दीदार हाजिरी हो जाएंगे। जी गाइस देखिए बड़ी डेक का माहौल, और बड़ी डेक के सामने का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी डेक के सामने आया हूँ, देख सकते हो बड़ी डेक है। बड़ी डेक के सामने जो उजू खाना है, उजू खाने के माहौल देखिए आज कैसे खाली खाली जैसा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से सभी ज़ायरीन सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखा है। देखिए गाइस बड़ी डेक का माहौल, बड़ी डेक है, और यह बड़ी डेक के सामने का माहौल, उजू खाना के सामने का माहौल। जी देखिए अच्छा माहौल है, खूबसूरत नज़ारा है, भीड़ भाड़ कम है, आपको आराम से तसल्ली से ज़ियारत हो सकता है। जी गाइस देखिए, और आज मौसम थोड़ा ठंडा है, बारिश जैसे मौसम बना रखा है, बारिश का जैसे मौसम बना हुआ है, मौसम ठंडा है। तो आज 21 अगस्त है और 11 मुहर्रम है। देखिए मैं फाइनली आपको लेके आया हूँ ख्वाजा साहब का सिरानी की तरफ संदली मस्जिद में। देखिए मस्जिद संदल खाना। जी गाइस
तो देखिए संदली मस्जिद है और मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ अस्ताना शरीफ का जो मेन दरवाज़ा है अतायनूर, वहाँ लेके चल रहा हूँ। तो गाइस आप लोग से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उनको भी ज़ियारत हो जाए, दीदार हो जाए और माहौल को भी जानकारी मिल सके। जी गाइस देखिए अतायनूर गेट, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, मुहर्रम की महीना है, दुआएँ मांगिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पोते साहब की मज़ार है, दरगाह है, हुजूर गरीब नवाज की चौकट जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते साहब की चौकट है। तो गाइस यहाँ पे अगर कोई आते हैं मन्नत के लिए तो माशाल्लाह आप सभी मन्नत पूरा होती है यहाँ से। सुबहानअल्लाह मैंने फाइनल आपको लेके आया हूँ अस्ताना शरीफ के सामने अतायनूर गेट पे, देख सकते हैं अस्ताना शरीफ के अंदर लोगों को कैसे हाजिरी हो रहा है, कैसे ज़ियारत हो रहा है, माशाल्लाह खुद्दामे हजरत आपको हाजिरी करवा रहे हैं अंदर। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। तो गाइस ये है अतायनूर गेट के सामने का माहौल, और अतायनूर गेट के सामने का माहौल देखिए कैसे लोग अंदर आ रहा है ज़ियारत के लिए और कैसे यहाँ लोग बैठ के इबादत कर रहा है। आज थोड़ा भीड़ कम है, रश कम है, खाली खाली है, तो आपको आराम से सकून से तसल्ली से आपको ज़ियारत दीदार हो सकता है और हो रहा है, देख सकते हैं आप। किसी तरह का रश नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आप आराम से सकून से ज़ियारत कर रहे हैं, आप देख सकते हो माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। अस्ताना शरीफ के अंदर खुद्दामे हजरत आपको ज़ियारत करा रहा है, सुबहानअल्लाह। देखिए जायरीन एक के बाद एक अंदर जा रहा है, अपना हाजिरी लगा रहा है, ज़ियारत कर रहा है, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की अस्ताना शरीफ ज़ियारत कीजिए, सुबहानअल्लाह। सुबहानअल्लाह हुजूर गरीब नवाज की अस्ताना शरीफ अतायनूर गेट, इस गेट से आप अंदर जाते हैं और हाजिरी लगाते हैं अस्ताना शरीफ के अंदर। सुबहानअल्लाह देखिए कैसे आपको खुद्दामे हजरत आपको ज़ियारत करा रहे हैं अंदर, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए गाइस कैसे जायरीन जा रहे हैं अंदर, आराम से सकून से ज़ियारत कर रहा है। जी गाइस देखिए अतायनूर गेट के सामने का माहौल, अच्छा माहौल है, खाली खाली, जैसे आप आराम से आके बैठ के इबादत कर सकते हैं, किसी चीज़ का आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई कुछ पूछेंगे नहीं, कोई कुछ चेकिंग भी नहीं करेंगे, माशाल्लाह आप आराम से आइए ज़ियारत कीजिए। तो गाइस चलिए फिर ले चलते हो आपको इमाम बरगाह पे, जहाँ पे सबसे बड़ा ताजिया शरीफ रखा गया था। हालाँकि आज ताजिया शरीफ ज़ियारत नहीं होंगे क्योंकि आज ताजिया शरीफ ठंडा किया गया सुबह सुबह। तो गाइस चलिए फिर इमाम बरगाह की माहौल के भी नज़ारा कराते हैं, जहाँ ताजिया शरीफ रखा गया तो वहाँ के भी आपको जगह दिखा देते हैं। जी गाइस देखिए बिल्कुल फाइनली मैं इमाम बरगाह के अंदर पहुँच चुका हुआ, देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं है, खाली है, क्योंकि ताजिया शरीफ ठंडा हो चुका है, कल आशूरा गया, आशूरा का बाद ताजिया शरीफ ठंडा किया गया है। तो गाइस देखिए बिल्कुल इमाम बरगाह के अंदर आ चुका हूँ, इमाम बरगाह के देखिए नज़ारा कीजिए, ज़ियारत कीजिए, सुबहानअल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल मैं इमाम बरगाह के अंदर दाखिला वो देख सकते हैं, ये दोनों मज़ार की ऊपर ताजिया शरीफ रखा गया था, अब वो ताजिया शरीफ नहीं है, ठंडा किया गया। तो गाइस चलिए फिर ले चलते हो आपको अस्ताना शरीफ के दूसरे गेट की तरफ, पायथी गेट की तरफ, और आपको पायथी गेट से भी ज़ियारत कराते हैं। जी गाइस बना रही है, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए, मुहर्रम का महीना है, बड़ा गम की महीना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पोते साहब की दरगाह है। तो गाइस फाइनली मैं आपको अस्ताना शरीफ का दूसरे गेट के सामने लेके आया हूँ, इस गेट का नाम है पायथी गेट, और देखिए पायथी गेट के सामने के भी खाली खाली जैसे माहौल है, भीड़ भाड़ कम है, जायरीन कम है। अब इस टाइम अगर दरगाह शरीफ आएंगे तो आराम से माशाल्लाह अच्छे से हाजिरी होंगे, ज़ियारत होंगे। तो गाइस आराम से आ सकते हैं आप मेरे यूट्यूब द्वारा, दरगाह शरीफ दीदार कीजिए, ज़ियारत कीजिए और माहौल के भी नज़ारा कर लीजिए, देखिए कैसे माहौल है। बिल्कुल आप फैमिली के साथ और ऐसे भी आराम से दरगाह शरीफ आ सकते हैं ज़ियारत के लिए। अभी आजमी शरीफ का मौसम भी ठंडा है, गर्मी नहीं है, आराम से अच्छा मौसम है। जी गाइस देखिए फाइनली मैं पायथी गेट के सामने आया हूँ, जिस गेट का अंदर जाके आपको कदम उसी होता है, और किस तरह लोग जा रहे हैं अंदर कदम उसी के लिए, कदम उसी करके बाहर आ रहा है, लोग देख सकते हैं लाइन लगा रखे है अंदर, कम है लाइन, अभी जायरीन भीड़ भाड़ कम है, तो देख सकते हैं लाइन, फिर भी लाइन है,
कदम उसी की जगह, देखिए किस तरह लोगों कदम उसी हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ियारत कीजिए हुजूर गरीब नवाज़ के अस्थाना शरीफ, दुआएं मांगिए जी। गाइस देखिए किस तरह लोग चादर शरीफ लेके अंदर जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज 11 मुहर्रम है और 21 अगस्त है और सुबह सुबह का टाइम है। मैं सुबह सुबह दरगाह शरीफ ज़ियारत करा रहा हूँ, सुबह सुबह का माहौल की भी अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो गाइस आराम से हमारे यूट्यूब द्वारा माहौल का नज़ारा कर सकते हैं, माहौल कैसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आराम से दरगाह शरीफ में आ सकते हैं ज़ियारत के लिए। आपको किसी चीज़ का परेशानी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई चेक इन नहीं करेंगे, ना कोई आपको कुछ पूछेंगे। आराम से आप देखिए किस तरह लोग कदम उसी करके बाहर आ रहा, खुश महसूस हो रहा है इनका चेहरे पे। जी गाइस फाइनली मैं पाइथी गेट के सामने हूँ। देखिए किस तरह लोग यहाँ पे बैठ के इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलिए मैं आगे और नज़ारा कराते हैं आपको, बना रही है वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको दरगाह शरीफ पूरा ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज़ की गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हुजूर गरीब नवाज़ की गुम्बद शरीफ, सुभान अल्लाह, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगे हुजूर गरीब नवाज़ से। तो गाइस फाइनली मैं आपको लेके आया हूँ आस्थाना शरीफ की तो तीसरा गेट के सामने। देखिए ये भी तीसरा गेट के सामने का माहौल कैसा है, और ये देखिए तीसरा गेट। जी गाइस तीसरा गेट के अंदर से लोग जा रहा है ज़ियारत के लिए, और ये देखिए चादर शरीफ लेके आ रहा है। सभी जारीन अंदर जाएंगे और वो पेश करेंगे, हाजिरी करेंगे, दुआएं मांगेंगे। देखिए ये तीसरा गेट के माहौल कैसे लोग बैठ के इबादत कर रहे हैं। तो गाइस बना रही है, चलिए फिर ले चलते हो आपको जन्नती दरवाजे की तरफ। और जन्नती दरवाजे के सामने के भी माहौल देखिए, यहाँ पे भी माहौल अच्छा है, ज़ायरीन कम है, खाली खाली है, तो आपको आराम से ज़ियारत हो रहा है। देखिए गाइस ये जन्नती दरवाज़ा है, जन्नती दरवाजे को ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह जन्नती दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए आप जन्नती दरवाज़ा को, और माहौल का भी नज़ारा कर लीजिए, अच्छा खासा माहौल है यहाँ पर। आपको कोई किसी चीज़ का परेशानी नहीं है, आप देखिए। तो गाइस फाइनली मैं आपको लेके आया हूँ शाहजहानी मस्जिद के अंदर। देखिए शाहजहानी मस्जिद के अंदर की भी माहौल नज़ारा कीजिए, देखिए माहौल कैसा है। यहाँ पे भी ज़ायरीन है लेकिन कम है, भीड़ भाड़ कम है लेकिन अच्छा है, किसी चीज़ का कोई किसी का परेशानी नहीं है। देखिए देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। सुभान अल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ की गुम्बद शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए गाइस यह है शाहजहानी मस्जिद, और शाहजहानी मस्जिद के अंदर की माहौल, यहाँ पर भी लोग ज़ायरीन है, यहाँ पर भी लोग बैठ के इबादत कर रहा है, ज़ियारत कर रहा है। सुभान अल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ की दरबार। जी गाइस नज़ारा करिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मौसम ठंडा है, बारिश के जैसे मौसम है, तो अजमेर शरीफ में बिल्कुल मौसम नॉर्मल है, यहाँ गर्मी नहीं है। तो गाइस फाइनली मैं आपको लेकर आया हूँ आस्थाना शरीफ के चौथा गेट की तरफ, जिस गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आते हैं। देखिए किस तरह लोग बाहर आ रहा है, इस गेट से ज़्यादातर लोग ज़ियारत करके बाहर आते हैं, अंदर बहुत कम जाते हैं, यहाँ से बाहर आया जाता है। सुभान अल्लाह देखिए चौथा गेट के सामने का माहौल। जी गाइस बिल्कुल शांति है, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ, देखिए चिल्ला शरीफ के सामने का माहौल। जी गाइस देखिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ, जो कि 7 मुहर्रम को बंद कर दिया गया, 4 मुहर्रम को खोल दिया गया था, सभी जारी नीचे गया ज़ियारत किया और 7 मुहर्रम को बंद कर दिया गया चिल्ला शरीफ। तो देखिए चिल्ला शरीफ के सामने का माहौल कैसे है, यहाँ पर भी ज़ायरीन है, सभी अपने अपने इबादत में है, ज़ियारत कर रहा है। देखिए गाइस कैसे माहौल, अच्छा खासा माहौल है। आज 11 मुहर्रम और 21 अगस्त है। तो गाइस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।